हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो वैसे ही आज मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूं। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास एक कोलपैड का फ़ोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे। ये देख सकते हैं, कोलपैड का एक फ़ोन है, नोट 8 इसका मॉडल है। मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोलपैड का फ़ोन है, नोट 8 ये मॉडल है। इसमें लगी हुई है गूगल अकाउंट। तो इसकी गूगल अकाउंट हम बहुत ही इजी तरीके से रिमूव करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल अकाउंट लगा हुआ है, कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, वेलकम टू योर 1861, ये इसका मॉडल नंबर है। ये है नोट 8, कोलपैड का नोट 8 फ़ोन है, जो कि इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो इसके हम गूगल अकाउंट को रिमूव करेंगे, तो मैं आपको इसके FRP दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसमें गूगल अकाउंट आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं, कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसकी बहुत ईजीली तरीके से FRP रिमूव करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलपैड का नोट 8 फोन है, जो कि इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो इसके हम गूगल अकाउंट को रिमूव करेंगे, तो मैं आपको इसके FRP दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसमें गूगल अकाउंट आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं, कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मैं इसकी बहुत ईजी तरीके से FRP रिमूव करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किरण, थोड़ा धीरे बात करना, धीरे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको UMT से इसकी FRP रिमूव करने वाला हूँ, लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने UMT से। देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है, या 100% होता है कि नहीं। मैं जो भी करता हूँ आपके सामने लाइव करता हूँ। तो एक छोटा सा अपडेट कि अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं UMT को लगा लेता हूँ, और UMT को लगाने के बाद हम यहाँ पे खोलेंगे, अल्टीमेट फ्लैशर को ओपन करेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें मीडियाटेक CPU लगा हुआ है, ये सारा चीज़ आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा CPU है, कैसे काम करते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मिसिंग स्मार्ट कार्ड, तो एक बार फिर से हम रन कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको लगा दिया है और उसके पहले ही शायद मैंने रन कर दिया होगा। तो यहाँ पे मिसिंग स्मार्ट कार्ड कर रहा है, तो एक बार आप डोंगल्स को निकाल लें और फिर से इन कर लें, और उसके बाद फिर से वापस से अपना टूर ओपन करें। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ड्राइवर का एरर कुछ आता है, स्मार्ट कार्ड या फिर जो भी कुछ ऐसा एरर आता है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। बेसिकली विंडोज 10 में एक अच्छी खास बात है कि जल्दी कोई ड्राइवर का इशू नहीं आता है। अगर आपके PC में देखिए, खूब बोलते बोलते यहाँ पे वो ओपन हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स, अब हमें सिंपली क्या करना है, सीधा और सीधा हमें टूल एंड FRP पे जाना है, जैसे कि आपको पता है गाइडलाइन के तहत। अब उसमें आपको अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, कोलपैड। तो यहाँ पे हम अपना कोलपैड को ले लेते हैं, कोलपैड हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो नोट 8 है, तो हम अपना नोट 8 मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। नोट 8 मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद, और सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड, रिसेट FRP, रिसेट FRP पे आपको टेक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल सिंपल ये USB केबल 30 सेकेंड के अंदर, अभी कोई मैंने की प्रेस नहीं किया हुआ है, सीधा मैं USB केबल को लगाऊंगा। और USB केबल हमने डायरेक्टली लगा दिया है, देखिए हमारा ये पोर्ट कनेक्ट हो गया है, कोई भी हमने बूट की प्रेस नहीं किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप डिवाइस मैनेजर की बात करें, डिवाइस मैनेजर में भी आप देखोगे तो ये देख सकते हैं FRP डन। UMT हमारा बहुत ही बेस्ट डोंगल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वालकॉम मीडियाटेक, काफी सारे जो इसमें अपडेट आया हुआ है, बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट डोंगल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने डाटा केबल को निकाल दिया है, FRP रिसेट डन हो चुकी है, जो कि इतना बेस्ट है ये नोट 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलपैड नोट 8, ये 16/18/1861। तो ये बहुत इजीली तरीके से हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है बिना सेव। अब हम फोन को आपके सामने ही इसको ओपन करते हैं लाइव।
ये देखिए ओपन हो चुका है। अब ये देखते हैं कि इसका FRP रिमूव हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें फ्रेंड्स। तो चालू हो जाएगा, जैसे ही चालू हो जाएगा तो फिर देखते हैं कि ये जो हमारा कोल पैड का Note 8 था उसकी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड। तो बस जस्ट अ सेकेंड, ये फोन हमारा ऑन हो चुका है। आई होप ये कैमरे से आपको उतना क्लियर कट तो नहीं दिख रहा है, पर फिर भी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये फोन हमारा ऑन हो चुका है बेसिकली। तो मैं फ्रेंड्स आपको तो चलिए मैं फ्रेंड्स इसको अपने फोन के द्वारा आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइनली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो हमें करेंगे सेटअप पे, और यहाँ पे जस्ट चेकिंग फॉर अपडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड, आपके सामने लाइव बनाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो रहा है। अब ये FRP अगर रिमूव हो गई होगी तो स्किप का बटन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं FRP जॉब डन हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो हम कर देते हैं इसको स्किप, स्किप कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे भी कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे स्किप, यहाँ पे भी कर देंगे स्किप, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे भी कर देंगे फिनिश। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा ये जॉब डन हो चुका है। पीछे आपने देखा वहाँ पे हमने सारी चीज़ कर दिया है। बहुत इजीली तरीके से FRP रिमूव हो चुकी है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।